As the director of Ranjan English classes, I am Ranjan sir from Bhagwanpur. अभी हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण क्लास स्टॉप है, जिसके वजह से हम लोग घर बैठे कुछ सीखने का काम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम होगा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो स्टार्ट करते हैं ना बेसिक पॉइंट से। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस से कहता है, क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा किसे कहते हैं। द मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग वन ऑफ द मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। एक बार और सुन लेना, द मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। अपने विचार प्रकट करने की तरीका को भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज ग्रामर, द बुक विच टीचेस, द बुक विच टीचेस अस हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश इज कॉल्ड अ ग्रामर, इज कॉल्ड अ ग्रामर। इसके कुछ हिंदी के बारे में बता दें आपको, जो किताब हमें शुद्ध पढ़ना लिखना सिखलाता है तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। जो किताब हमें सुसुद पढ़ना लिखना सिखलाता है तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर लिखेंगे हम लोग। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ ग्रामर विच आर, मतलब हो गया कौन कौन। नंबर वन हो गया एटिमोलॉजी, सॉरी ऑर्थोग्राफी, ओ आर टी एच ओ जी आर ए पी एच वाई, मतलब हम लोग बोलेंगे वर्ण विचार। नंबर टू है एटिमोलॉजी, मतलब हम लोग बोलेंगे शब्द विचार। नंबर थ्री है सिंटैक्स, एस वाई एन टी एक्स, तो होगा वाक विचार। नंबर फोर है पंक्चुएशन, टी यू एन सी टी यू ए टी आई यू एन, मतलब हो जाएगा चिन्ह विचार। नंबर फाइव है प्रोसोडी, टी आर ओ एस ओ डी वाई, मतलब हो जाएगा छंद विचार। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में अक्षरों के प्रकार, उच्चारण, आकार एवं प्रयोग आदि का वर्णन हो तो उसे हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। जैसे अ एम कैट बुक इटीसी। दूसरा है आपके सामने एटिमोलॉजी, जिसका हिंदी होता है शब्द विचार, यानी अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में शब्दों के भेद यानी प्रकार, अवस्था एवं व्यवहार आदि का वर्णन हो उसे एटिमोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं पेन, क्वालिटी, एटीसी। तीसरा आपके सामने है सिंटैक्स, इसे बोल सकते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में वाक बनाने का नियम का वर्णन हो उसे सिंटैक्स कहते हैं, जैसे सरिता सिंग्स अ सॉन्ग।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने पंचुएशन। इसको बोलेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग के चिन्हों का आकार एवं व्यवहार आदि का वर्णन हो तो उसे पंचुएशन कहेंगे। अगला आपके सामने प्रोसोडी यानी छंद विचार। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में छंद कविता के प्रकार तथा उसकी रचना के नियम का आदि का वर्णन हो तो उसे प्रोसोडी कहते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो के साथ, जिस टॉपिक का नाम होगा टेंस। टेंस के ऊपर कल हमारा एक वीडियो बनेगा, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा टेंस। चलते हैं, बाय।